घर में लोहेबान का आप धुआं देते हैं, अब देते हैं, तो ये मान के चले कि आपकी जो अच्छी आत्मा है वो उससे प्रभावित हो जाती है और आपके पितर लोग उस घर छोड़ देते हैं, आपके प्रेत लोग छोड़ देते हैं, सिद्ध लोग छोड़ देते हैं, आपके घर में से आनंद चला जाता है। कभी भी अपने घर में लोहे बांध का धुआं नहीं देना चाहिए, विशेषकर ये मुस्लिम लोग करते हैं, क्योंकि वो गंदी चीज होती है। अब मुसलमानों के घर में विशेषकर 80% लोगों के घर में लोहे बांध का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उनके घर में सबसे ज्यादा मशानी, जिंद विद्या, पीर आदि शक्तियां होती हैं, जिनको सैयद आदि कहते हैं। तो इनके इस चक्कर में भी कई लोग फकीर टाइप, बाबा टाइप के आते हैं, वो कहते हैं लाओ मैं आपके घर में धुआं देने देता हूं, दुकान में देता हूं। नो, इसमें जो आपके हनुमान जी बैठे हैं, जो राम जी बैठे हैं, श्रीकृष्ण जी बैठे हैं, इनकी कृपा आपसे छिन जाएगी आपको, क्योंकि आपके सामने ही, उदाहरण मैं बोलता हूं, आप अभी सामने बैठे हैं, आपके सामने कोई बच्चा उल्टी कर दे आप बैठ पाओगे? मन खराब हो जाएगा। और यहीं पे कोई भिष्टा डाल देता हूं और कह दे लो आप भोजन करो, तो करोगे आप लोग? तो लोहेबान माने क्या है बताइए, क्या है लोहेबान माने? लोहेबान, लोहेबान किसे कहते हैं, क्या चीज है लोहेबान में, कौन सी गैस है उसमें? आपके घर में हाय नजर ढीर, जैसे मिर्ची का धुआं हम लोग नहीं ले पाते हैं, लेते हैं थोड़ी सी मिर्ची डाल देते हैं आग में तो फांस लगती है, घर पर गालियां देने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। तो मिर्ची का धुआं का मतलब है आपके घर में जो भी गंदी दूषित आत्मा हो बाहर निकल जाए। और गंदी आत्मा लोहे के लिए, मतलब आप मिर्ची के लिए कहना हो, और लोहेबान के लिए जो आपके घर में अच्छी आत्मा है जो आप पर कृपा करती है, लोहेबान का धुआं देने से आपके घर में से पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी और निगेटिव वाली आत्मा तुम्हारे घर में प्रवेश करने लगेगी, उससे संबंधित करने लगेगी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि घर में धूप कपूर की आरती देने से आपके घर में आपके पूर्वज बलिष्ठ होंगे, आपके इष्ट बलिष्ठ होंगे, आपके घर में एनर्जी मिलेगी कपूर की, एनर्जी मिलेगी गूगल की, एनर्जी मिलेगी आपको तिल, जुआ, घृत, सकरा, अगर, तगर, नगरमाथा, पत्थर फूल, जटामासी, कमलगटा आदि औषधियों का जो हर्ब उठेगा, उससे आपका पूरा वातावरण, आभामंडल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। मात्र आप उसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, बस आपने जिस गुरु मंत्र से दीक्षा ली है उसी गुरु मंत्र का स्मरण करते हो, उसमें छोड़िए, अपने उस गुरु मंत्र का जप कीजिए, अपने प्रभु का स्मरण कीजिए, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। आपके घर में निकेजुटी गंदी आत्मा रह ही नहीं सकती, मैं इसका आपको वचन देता हूं।